गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप पढ़ रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया था टीवी चरणों के विभिन्न चरण, टीवी खबरों के विभिन्न चरण, ये सारे आपके फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, यहाँ तक आपने पढ़ा था। और उसके आगे देखिए, फिर है लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, तो सीधा दिखाया जाता है। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं और बताते हैं। फिर है एंकर पैकेज। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आती होती हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां ऐसी ज़रूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सके। तो अक्सर टीवी पर खबर लिखने की प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। तो इस प्रचलित शैली में आसानी ये है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निप जाता है। इसमें लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। मतलब शब्दों का इस्तेमाल जब किया जाता है तो उसके साथ थोड़ा न्याय नहीं होता। तो दर्शक जो अपनी आंखों से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सामने दृश्य दिख रहे हैं उसे। इसलिए शब्दों की भूमिका बेकार है इसमें। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉर्ट्स के साथ देखा जाता है कि इन दिनों तेज़ गर्मी से निजात पाने का, मतलब छुटकारा पाने का एक तरीका ये भी है कि झील में छलांग लगाते हैं। अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो, कैसे मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, और एक दूसरे को बधाई देने का कोई शॉट हो, तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसे प्रचलित तरीके में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते ये छात्र। दूसरा तरीका इसको किसी अर्थ से जोड़ने का है, यहीं से रिपोर्टर की दृष्टि सक्रिय हो जाती है, अलर्ट हो जाता है और उसकी समझ, अपनी समझ भी दिखाई देती है। वह लिख सकता है भारतीय समाज में आए इस नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी, या फिर ये नई आधुनिकता परंपरावादियों को रास नहीं आ रही। लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती हैं ध्वनियाँ। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉयस ओवर वीओ के साथ दो तरह की आवाज़ें होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट, बाइट को कथन कहते हैं, जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ साथ चली आती हैं, यानी चिड़ियों का चहचहाना, या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज़, या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की आवाज़। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली तरह की आवाज़ यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है, अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बोली जाती है, लेकिन ये काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते, जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है, कथन डाल दिए जाते हैं बीच बीच में, ताकि सबको, दर्शकों को पता चल सके क्या बोला जा रहा है। वह दो बायस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है, लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वॉयस ओवर नहीं होते, और भी ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है और उसका मिजाज बनता है। इसलिए किसी खबर का वॉयस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। तो टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट
या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाजें कहते हैं। नेट या नेट साउंड यानी कि प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं, यानी वो आवाज़ें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा हो जिसमें खूब नारे लगे हों, वह अगर सिर्फ इतना बात आकर बाहर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे हैं और उसके बाद किसी नेता को की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, नेता ने जो भी कथन बोले उसका इस्तेमाल कर लेता है, तो ये अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। वे उसे नारे लगते हुए दिखाना होगा और इसकी गुंजाइश अपने वीओ में छोड़नी होगी। तो ध्वनियों के साथ साथ ऐसे दृश्यों के अंतराल भी खबर में उपयोगी होते हैं। जैसे किसी क्रिकेट मैच की खबर में वॉयस ओवर ख़त्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान में शॉट चलते रहें तो दर्शकों को अच्छा लगता है, ऐसी तो होता है। यानी ऐसी खबरें लिखते हुए भाषा में बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। रिपोर्टर सारी बातें खुद बता देना चाहते हैं, जबकि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि दृश्य और ध्वनियाँ भी बोलें। छोटे छोटे वाक्यों और सुगठित संपादन से टीवी की अच्छी खबर खेल कर आती है, मतलब और सुधार आ जाता है उसमें। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली, दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, रेडियो और टीवी पत्रकारिता का भी नहीं। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यम को भी। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है, साधारण मनुष्यों के को मिल सकती हैं ये चीज़ें, रेडियो और टीवी। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। तो इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। उनका यही मकसद होता है कि हर किसी की ज़रूरत पूरी हो सके, क्योंकि हमारे देश में निरक्षर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी तरह के लोग हैं। जाहिर है कि लोगों तक पहुँचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी को आसानी से समझ में आ सके। लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी ना करना पड़े। इस कारण हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह का भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टीवी समाचार में भी करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय है कि वाक्य छोटे हों, सीधे हों, स्पष्ट लिखे जाएं। असल में जब आप खुद किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं, जब खुद ही नहीं समझ में आता तो उसे कठिन बना दिया जाता है। तो इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हों तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सोचिए। अगर आप कोई खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी होती तो कैसे बताते? रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं ये जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। तो जब इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। अखबार में हो सकता है लेकिन रेडियो और टीवी में जब खबरें दी जाती हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे निम्नलिखित उपरोक्त हस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए, पुलिस द्वारा चोरी करते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसके बजाय पुलिस ने दो व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया ज़्यादा स्पष्ट है, मतलब पुलिस द्वारा ज़्यादा ये ठीक है कि पुलिस ने दो व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, ये ज़्यादा स्पष्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ तक पढ़ाया आपको।